हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम नेट जीआरएफ के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं नेट जीआरएफ कट ऑफ 2023 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें क्या क्या कट ऑफ रहा है उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये देखिए, पहले जून 2019 का बात करेंगे, फिर दिसंबर 2019 का बात करेंगे, फिर 2020 के कट ऑफ का बात करेंगे, फिर 2021, फिर 2022, फिर मैं बताऊंगा कि 2023 में कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले जून का देखिए, जून 2019 में जो कैटेगरी, ये मैंने आपको दिखा देता हूं अच्छे से कि ये कैटेगरी लिखी हुई है, नेट टोटल फिर जीआरएफ फिर टोटल। हाँ, तो यू आर हो गया ये जनरल में आपकी 2019 में 63% गया था। ठीक है, 63% गया था, 63.33% टोटल जो स्टूडेंट हुए थे वो 156 स्टूडेंट टोटल क्वालिफाई हुए थे। जीआरएफ जो गया था वो 74% गया था और टोटल स्टूडेंट जो थे वो 12 थे। ठीक है, फिर ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में 56% गया था नेट का और टोटल स्टूडेंट पास हुए थे 64 और जीआरएफ गया था 68.67% और टोटल जीआरएफ मिला था 5 स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस प्रोसेस के से हम चलेंगे और इस तरीके से ही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले जो कट ऑफ था ना वो बहुत कम जाता था। दूसरी बात मैं आप बता दूं, जो बच्चे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो उसके बारे में आपको बता दूं कि वो इससे 2 मार्क्स कम कर लेना। जैसे यहां पे यूआर की देखिए 63 गई है, ओबीसी की 56 गई है, तो उनकी कितनी जाएगी, उनकी जाएगी 54। ठीक है, 2% कम कर लेना। ठीक है, एससी एसटी वाले। तो ये हो गया आपका 2019 का। दिसंबर 2020 की आप बात कर लेते हैं तो जनरल का गया है इसमें 61.33% और टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं 155 स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं और जीआरएफ आपका गया है 74.67 और टोटल स्टूडेंट जो हुए हैं वो 9 स्टूडेंट हुए हैं पास। जीआरएफ मिला है 9 स्टूडेंट को। ओबीसी की हम बात कर लें तो ओबीसी में नेट का जो परसेंटेज गया था वो 54.67% गया था और टोटल स्टूडेंट जो हुए थे 71% और जीआरएफ गया 67.33 और टोटल स्टूडेंट जीआरएफ जो मिला, ये जीआरएफ है, ठीक है ना, ये मत सोचना ये जीआरएफ है, 4 स्टूडेंट। अब 2020 की बात कर लेते हैं हम तो 2020 में आपका जो नेट का गया वो 62% गया, टोटल 114 बच्चे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, 70.67% जीआरएफ का गया है, उसके बाद 9 स्टूडेंट इसमें पास हुए हैं, जीआरएफ मिला है जिनको। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में 2020 में 56% गया है और टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, तो 46 स्टूडेंट पास हुए, जीआरएफ मिला 66% पे जीआरएफ गया है और टोटल गया कितने स्टूडेंट हुए ओबीसी में, तो 4 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। तो आप ये देख सकते हैं कि 2019 का ही दिसंबर का, मतलब ये जून का है, ये दिसंबर का है और उसके बाद ये 2020 में, तो आप देख सकते हैं नेट में यहां पर कितना गया, 62 गया। जनरल का मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आप देखिए यहां जनरल में कितना गया है 63, ठीक है, यहां कितना गया है 61, यहां कितना गया है 62, तो 1% का फर्क है बस, 61 62 63, 1% मतलब कि 1-2% का फर्क पड़ता है। आगे मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। तो ये 56% गया, 46 66 4, यहां पे देखिए पहले जो होते थे वो कम होते थे क्वालिफाई, फिर धीरे धीरे ज्यादा क्वालिफाई होने लगे, 56 यहां पे गया, 46 66, यहां तक आप समझ गए। उसके बाद हम 2021 की बात कर लेते हैं, 2021 में कट ऑफ क्या रहा है, तो कैटेगरी फिर नेट फिर टोटल फिर जीआरएफ फिर टोटल, ठीक है, यूआर ये आपका जनरल हो गया। जनरल में आपके फिर चीजें चेंज हो गई, फिर मार्क्स के अनुसार सब कुछ कर दिया गया। अब जो कट ऑफ आता है वो मार्क्स पे आता है ना, मार्क्स होता है वहां पे, आप परसेंटेज नहीं देखोगे, जब लिस्ट आएगी तो उस पर मार्क्स लिखा होगा, लेकिन मैंने इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके यहां पे दिखा दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी 2021 में
ये जो एग्जाम था ना ये बहुत इजी आया था 2021 का जो एग्जाम था वो बहुत ज्यादा इजी था, इसलिए यहाँ इस बार जो कट ऑफ था वो बहुत ज्यादा आ गया था। सबसे आज तक हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है वो 2021 का गया है, ठीक है। तो यहां पे 70% पे कट ऑफ गया नेट का सिर्फ, हाँ 186 बच्चे लेकिन पास हुए सबसे ज्यादा। आज तक देखिए कहीं पे भी इतने बच्चे पास नहीं हुए जितने इसमें हुए, ठीक है। उसके बाद जो जेआरएफ का था 234 मार्क्स और परसेंटेज कितना हुआ 78% की बात हो रही है यहां पे, 78% पे जेआरएफ मिली है, 78% पे जेआरएफ मिली है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 24 स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं हम ओबीसी की, तो इस बार इस टाइम ओबीसी में भी बहुत ज्यादा मार्क्स गया, 190 मार्क्स वाले जिनके आए और 63% होता है, आप इसको जब निकालोगे परसेंटेज में तो 63% पे गया था सिर्फ नेट क्वालिफाई के लिए, ठीक है। उसके बाद टोटल कितने स्टूडेंट हुए इसमें तो 71 और जेआरएफ का कितना गया था ओबीसी में तो 73। अब फिर एसटी की मैंने बात, एससी एसटी इसकी जब भी बात होगी तो इससे 2% कम कर देना, ठीक है, 61 59, ठीक है, इस तरीके से आप 2-2% कम कर देना तो इतनी जाती है एससी एसटी की, ठीक है। ये मत बोल कि सबकी सर सबकी अलग अलग करके बताओ, यही है तरीका। और इससे आप पता कर सकते हो कि कभी भी आपका एग्जाम होता है ना तो आप अच्छे से पता कर सकते हो कि किस तरीके से एग्जाम होता है, किस तरीके से कट ऑफ आता है, किस तरीके से क्या होता है, सब कुछ आपको आराम से पता चल जाएगा। अब देखिए दिसंबर 2022 का ये कट ऑफ है, ये अभी भी जो एग्जाम हुआ है इससे पहले जो अभी उसका तो कट ऑफ अभी उसका तो रिजल्ट आने वाला है, इससे पहले जो हुआ था इसमें देखिए जो जनरल का गया था 190 63% गया था, इसमें और इसमें कितना फर्क है, यहां पे कितना है 70%, यहां पे 63% फर्क है ना। तो लोग बोलते हैं 1-2% का फर्क होता है लेकिन यहां पे देखिए 2021 में कितना गया इसमें कितना गया, तो ये आप देख सकते हो नेट पे ये सब कुछ डला हुआ है, सबका कट ऑफ डला हुआ है, तो आप सारी चीजें जाके देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं इस तरीके से चीजें लाया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 63% गया, कितने बच्चे हुए क्वालिफाई तो 126 बच्चे क्वालिफाई हुए। जेआरएफ कितने मार्क्स वालों का हुआ 212 मार्क्स वालों 70% जो लाए उनका जेआरएफ मिला यूआर वालों को जनरल वालों को। उसके बाद टोटल 23 बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए। ओबीसी की बात कर लेते तो ओबीसी में 174 मार्क्स जो लाए वो क्वालिफाई हुए थे, 58% गया था कट ऑफ, 53 बच्चे क्वालिफाई हुए थे नेट और 64 पे आपका गया है जीआरएफ और 11 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, केवल 11 बच्चे सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं जीआरएफ के लिए। तो ये था आज का आपका 2019 दिसंबर का, फिर 2020 का, 2021 2022 का पूरे का कट ऑफ, हाँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो और आपका जो होता है ना कि इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कैसा आया है, इजी आया है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। अब देख 2021 में इजी किया था तो काफी कट ऑफ ऊपर चला गया। अब इस बार का जो एग्जाम अभी जो एग्जाम हुए 2 महीने पहले, ये जो एग्जाम हुआ है ये टफ था, टफ बोल लो या ठीक ठाक था या टफ के अंदर रखो कि ये जितने भी बच्चों ने बताया तो टफ ही बताया, तो ये थोड़ा टफ था। तो इसमें जो आपके कट ऑफ जाएंगे वो ज्यादा नहीं जाएंगे, हाँ ज्यादा नहीं जाएगा, आपका यही रहेगा 63 ही आपका जाएगा यूआर में, ठीक है, यूआर में 63 जाएगा नेट के लिए, किसके लिए नेट के लिए आपका ये जाएगा। और जेआरएफ के लिए मैं आप बात कर दूं तो यहां पे देख लीजिए 70% जेआरएफ के लिए जाएगा। ओबीसी की बात कर लूं तो 58% नेट के लिए, ठीक है, 58% नेट के लिए और 64 आपका जाएगा जेआरएफ के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इससे आप एक परसेंटेज कम और 1% ज्यादा आप लेके चलना है, ठीक है।
क्योंकि पूरी तरीके से तो परिपूर्ण कोई नहीं होता है इस समाज में। हाँ, तो ये एक अंदाजा है, क्योंकि आपने कट ऑफ देखा 2019 के हिसाब से, मैंने ये जो पूरा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो यही कट ऑफ आपके जाने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आप ये रख लीजिए कि 60, ये 63 है तो 62 से लेके 64 तक ऐसे आप रखिए, 1% नीचे 1% ऊपर, 69 से लेके 71 तक, इस तरीके से आप चीजों को आप देख लेना। तो ये थे आज का हमारा पूरा कट ऑफ के बारे में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी सर, क्योंकि कमेंट में बच्चे पूछ रहे थे कट ऑफ कितनी जाएगी। जो भी प्रॉब्लम होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये छोटा सा एक सेटअप बनाया है जिससे आपको मैं, अगर कोई ऐसी चीज होती है समझाने वाली जिसको मैं उस पर नहीं समझा सकता उस तरीके से, तो उसको मैं बोर्ड पे आप सबको बता पाऊं। तो यही था, बाकी आप मुझे बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको चीजें अच्छी तो लग रही हैं, मेरी कोशिश जो है वो सही तो हो रहा है, सही दिशा में तो हो रहा है। तो यही था, तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू एवरीवन, और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।